ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज प्रदेश भर में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जिला स्तर पर कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना की जानकारी दी। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा द्वारा भी न्यूनतम आय योजना की जानकारी दी गई। देखिए रिपोर्ट। मिश्रा के मुताबिक राहुल गांधी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना की घोषणा की है, जो कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस योजना पर सवाल खड़े कर रही है। हमने जो वादा किसानों से किया था उसे निभाया है और केंद्र में सरकार आने पर देश के 20% गरीब तबके के खातों में न्यूनतम आय पहुंचाने का वादा भी निभाएंगे। हमारी सरकार गरीब की सरकार है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसे और ललित मोदी की सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर आज समूचे प्रदेश में एक ज्वलंत विषय पर अपनी बात आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का साहस जुटाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, अत्यंत कृपापूर्वक मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को यह दायित्व इंदौर के लिए सौंपा है। आप जानते हैं कि 2014 में इस देश में उस दौरान के पीएम इन वेटिंग और वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके माध्यम से जनता तक यह बात पहुंचाई थी और लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को अपने पहले संबोधन में कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 100 दिन के भीतर काला धन वापस लाकर 15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार के खाते में डालेंगे, और भी अनेकों योजनाएं हैं जो मैंने अपनी पार्टी के माध्यम से आपको दिए गए राइटअप में लिपिबद्ध की थी, वे सारी धोखेबाजी में तब्दील हुई हैं। नोटबंदी और जीएसटी ने विशेषकर गरीब, सामान्य और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी के सम्मानित और यशस्वी अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए न केवल चुनावों के पूर्व वायदा किया था, बल्कि यह भी कहा था कि नया मुख्यमंत्री जो भी कांग्रेस पार्टी का इन स्टेटों में होगा, वह 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज मुक्ति करेगा। भाजपा के तमाम कुप्रचार और फरेब के बावजूद कांग्रेस पार्टी दस्तावेजी सबूतों के सामने और उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझ जैसा एक कार्यकर्ता इंदौर की गरिमामयी प्रेस में दावे के साथ कह रहा है कि माननीय कमलनाथ जी ने 10 दिन नहीं, शपथ लेते ही मध्य प्रदेश में 50 लाख किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने की न केवल घोषणा की, बल्कि जिस दौर में मैं आपसे बात कर रहा हूं, 25,50,000 किसानों को उसके प्रमाण पत्र भी दे दिए हैं उस ऋण मुक्ति के। शायद आज़ादी के बाद देश में पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल के 72 दिन में 83 घोषणाएँ की, देश की 1,30,00,000,000 आबादी की 20% गरीब जनता, जिसकी औसत आय 12,000 रुपये से कम या 12,000 रुपये तक है, उसके लिए मिनिमम इनकम गारंटी योजना यानी न्यूनतम आय योजना न्याय प्रारंभ की है। शायद हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में ऐसी योजना किसी भी निर्वाचित सरकार ने आज तक लागू नहीं की है। इसके माध्यम से 5 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 6,000 रुपये
और वार्षिक 72,000 रुपये हमारी सरकार यदि केंद्र में काबिज होती है तो उनके अकाउंट्स में जमा करेगी। और उस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन परिवारों के जो प्रमुख महिला होंगी उनके अकाउंट में इस योजना का पूरा लाभ, यानी महिला सशक्तिकरण योजना को एक और गति कांग्रेस पार्टी ने देते हुए उनके अकाउंट में जमा कराने का निर्णय लिया है। इससे देश की 20% आबादी यानी 25 करोड़ नागरिकों को इस बात का सीधा लाभ मिलेगा। मिश्रा ने कहा कि इस योजना से किसी टैक्स पेयर को नुकसान नहीं होगा और व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। के मिश्रा ने इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी तंज कसा है कि अभी वो दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, लिहाजा उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। इंदौर में सुमित्रा महाजन सभी की सम्माननीय नेता है लेकिन भाजपा उन्हें खत्म करना चाहती है। इंदौर में कांग्रेस सशक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, फिलहाल भाजपा के उम्मीदवार का नाम तय होने का इंतजार है। अब प्रश्न यह उठता है कि राहुल गांधी जी की इस जनोपयोगी योजना और मास्टर स्ट्रोक से भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। वह भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की इस योजना का काउंटर करने की स्थिति में नहीं है, वह कह रही है कि यूपीए सरकार इसका पैसा कहां से लाएगी। मैं बहुत शिद्दत के साथ आपके बीच विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों की ऋण मुक्ति की बात की थी, 2,00,000 रुपए तक के कर्ज माफी की बात की थी, तब जनता द्वारा हटाई गई शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमने तो सारा राजकीय कोष खाली कर दिया है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं। तब कमलनाथ जी किसानों का कर्ज माफ कैसे करेंगे, खाली खजाने के बावजूद हमारी सरकार ने आज तक 25,50,000 किसानों के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें और बैंकों को सूचित कर दिया है, नंबर एक। और अब इस न्याय योजना का वो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है और इस योजना में जो अर्थशास्त्रियों से कांग्रेस पार्टी ने तैयार किए राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में बैठकर, उसमें 3.6 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कल कहा, आपने लिखा है और हमने पढ़ा है, कि कांग्रेस पार्टी 3.6 लाख करोड़ रुपया कहां से खर्च करेगी। ये वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है जिसने नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी की जोड़ी ने 1,00,000 करोड़ रुपए विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी और नीरव मोदी को भाग जाने में लुटा दिया, जो आपका और हमारा बैंकों का कर्जा था। तब प्रधानमंत्री जी और मोदी जी यह नहीं बोले कि 1,00,000 करोड़ का कर्ज लेकर भाग जाने वालों को हमने क्यों नहीं रोका। वो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है जिसने तीन आंकड़े लिखिएगा आप, ऑथेंटिक आंकड़े बता रहा हूं मैं, जिसने 3.17 लाख रुपए हिंदुस्तान के मुट्ठी भर पूंजीपतियों के बैंकों के कर्ज को माफ किया है। वो मात्र 3.6 लाख रुपए के खर्च पर आपत्ति उठा रही है कि ये पैसा हम लेकर कहां से आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह पैसा राहुल गांधी जी देश की अर्थव्यवस्था में ही आमूलचूल परिवर्तन करके गरीबों को इस महती योजना का लाभ दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब गरीबों की याद कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने दलाली पूंजीपतियों की, राफेल सौदे में 30,000 करोड़ रुपए का लाभ अंबानी को दिलवाया,
ऑन रिकॉर्ड है। अब चुनाव के वक्त पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री गरीबों की बात कर रहा है। गरीबी किसके वक्त पर दूर हुई? हम कुप्रचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत सकते हैं, मगर सच्चाई के लिए आप लोग बैठे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 आया है, उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान गरीबी काफ़ी कम हुई थी। जो आज़ादी के समय 70% गरीबी हुआ करती थी, 2011-12 यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान वह घटकर मात्र 22% तक आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी कौन से गरीबों की बात कर रही है, किन गरीबों की बात कर रही है, तो हम लोग आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहेंगे कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा लाई गई मनरेगा योजना, जिससे आज खुद सरकार स्वीकार कर रही है कि 14 करोड़ गरीबों को लाभ हुआ है, उसका विरोध देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने संबोधन में किया था बजट सत्र के दौरान। गरीबों के लिए राइट टू फूड योजना हम लेकर आए, उसका इन्होंने विरोध किया था। राइट टू एजुकेशन का इन्होंने विरोध किया, आरटीआई का विरोध किया। आरटीआई में तो जब देश की पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट से उसके संशोधन को करवा लिया ताकि भ्रष्टों को बचाया जा सके। वनाधिकार कानून का उन्होंने विरोध किया। भूमि अधिग्रहण कानून, जिसके तहत यूपीए सरकार ने वायदा किया था कि यदि हम किसानों की भूमि को अधिग्रहित करेंगे तो बाजार मूल्य से उन किसानों का हम पैसा देंगे, उसका भी विरोध प्रधानमंत्री जी ने खुद पार्लियामेंट में किया था। तो ये वो सरकार है जो झूठ बोलती है। हमने नहीं कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान, फिर भी सोनिया गांधी जी के निर्देश पर 72,000 करोड़ रुपए किसानों का इस देश में हमारी यूपीए सरकार ने माफ किया था, और 11,080 करोड़ रुपया जो नाबार्ड के माध्यम से हमने शिवराज सिंह की सरकार को दिया था। विधानसभा में तत्कालीन सहकारिता मंत्री गौरी शंकर बिसेन जी ने उसे स्वीकारा था कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और 15 साल में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। कुल मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव के पहले न्यूनतम आय योजना को एक और जहां कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक मान रही है, तो वहीं भाजपा इसे चुनावी शिगुफा बता रही है। बहरहाल अब ये तो जनता तय करेगी कि वह किसे मिशन 2019 में सत्ता की चाबी सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।